नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीबी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, और खास करके तब से जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हमारे सामने आया है, उसके बाद तो एनसीबी दोस्तों तमाम बॉलीवुड के ऊपर काफी ज्यादा शिकंजा कस रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि दोस्तों बॉलीवुड की इस जांच पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बॉलीवुड के पीछे एनसीबी जानबूझकर पड़ी हुई है, और ऐसे में ही एक नेता का बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि कंगना रनावत से एनसीबी क्यों नहीं कर रही है पूछताछ। करण जौहर को समन भेजते ही कांग्रेस नेता ने उठा दिया है सवाल। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड ड्रग्स केस में गुरुवार को एनसीबी ने निर्माता निर्देशक करण जौहर को समन भेजा। जांच एजेंसी ने करण से उस पार्टी की जानकारी मांगी है जो उनके घर साल 2019 में हुई थी। शुक्रवार को करण ने इस पर जवाब भी दिया, लेकिन तब तक ये मामला सियासी हो गया। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने करण को समन भेजने पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि एनसीबी कंगना रनावत को समन क्यों नहीं भेज रही है। सचिन रावत ने ट्वीट किया, जब फडणवीस सरकार सत्ता में थी तो एनसीबी ने करण जौहर की पार्टी की जांच क्यों नहीं की। वीडियो 2019 में वायरल हुआ था और फडणवीस जी गृह मंत्री थे, उन्हें जवाब देना चाहिए क्यों एनसीबी की जाँच आगे बढ़ रही है। एक और ट्वीट सचिन सावंत ने लिखा, एनसीबी अभी भी कंगना रनावत को क्यों नहीं बुला रही है, जबकि उन्होंने एक वीडियो में कबूल किया था कि उन्हें ड्रग्स की लत थी। एनसीबी उन मुद्दों पर जांच कर रही है जिनका सुशांत सिंह राजपूत मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसके लिए उन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया था। सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल खोजने में एनसीबी बुरी तरह से विफल रही। सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने राजनीति के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, उनका असली मकसद महाराष्ट्र को बदनाम करना था। योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में एक नई फिल्म सिटी शुरू करने के फैसले के बाद मुंबई पुलिस और बॉलीवुड की बदनामी शुरू। सुशांत केस की जाँच सीबीआई के पास अभी भी पड़ी हुई है। भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एसएसआर के साथ हुई घटना का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, गौरतलब है कि करण जौहर के घर साल 2019 में एक पार्टी हुई थी जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था। हालांकि बाद में बवाल होने पर उन्होंने इसे हटा भी दिया था। इस वीडियो में तमाम बॉलीवुड सितारे जैसे विक्की कौशल, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, आयान मुखर्जी भी नजर आ रहे थे। इस वीडियो में स्टार्स के ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगा था, और इसी के बाद से करण जौहर की लगातार परेशानी बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से इस कांग्रेस नेता सचिन सावंत का दोस्तों बयान आया है, मतलब साफ है कि अब कंगना रनौत की भी परेशानी बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं, एनसीबी की जो जांच है दोस्तों, उस पर भी अब सवाल उठने लग गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ जानबूझ करके भाजपा की सरकार एनसीबी से करवा रही है, ताकि बॉलीवुड को नीचा दिखाया जा सके, बॉलीवुड को बदनाम किया जा सके, और उत्तर प्रदेश में एक नई फिल्म सिटी का निर्माण किया जा सके, जिससे कि तमाम एक्टर्स पुरानी बॉलीवुड को छोड़ करके नए बॉलीवुड में जाएं, और उनको पता चल जाए कि पुराना बॉलीवुड पूरी तरह से बदनाम है और वहां पर काम करने लायक नहीं है। और शायद इसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। इस तरह के आरोप दोस्तों सचिन सावंत ने लगाए हैं। अब देखना है कि एनसीबी किस तरह से इन पर जवाब देती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब ये मामला सिर्फ एनसीबी और कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा का भी हो गया है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों भाजपा को भी इस बयान में जम करके लपेटा है। अब देखना है कि भाजपा की गवर्नमेंट दोस्तों इस पे किस तरह से बयान देती है, भाजपा के अलग अलग नेता किस तरह से इनको आड़े हाथ लेते हैं। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।